ये सबसे बड़ा विरोधी श्रीमान लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नाम पर जीत करके आए और 15 साल उनको शासन में रहने का मौका मिला, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए क्या किया? नरसंहार के अलावे उनकी क्या उपलब्धि है? चरवाहा विद्यालय के अलावे उनकी क्या उपलब्धि है? वो बता दें, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने के अलावे राजद की क्या उपलब्धि रही? आज चोर दरवाजा से आकर के उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी 18 साल शासन में रहे, क्यों नहीं इन गरीबों के लिए, इस दलित पिछड़े कमजोर तबका के लिए? आज इसमें विद्यालय की व्यवस्था सुधरती तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में गरीब के लोग जाते हैं। कल ही हम लोग पीएमसीएच में गए हैं, तीन दिन का बच्चा बरामदा पर बैठा हुआ, किस तरह से अराजकता का वातावरण है। एक नूर मोहम्मद किस तरह के दवा के लिए भटक रहा था, डेंगू के मरीज में किस तरह से गंदगी और वातावरण दूषित है। आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, सिंचाई हो, इसमें कौन सी गन्ना की जरूरत थी? 33 वर्ष में इसको ठीक क्यों नहीं किया? और मैं तो जातीय गन्ना के पूर्णतः पक्षधर हूँ। हम लोगों ने तो चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो, कल्याण हो, उसके नाम पर सत्ता की राजनीति प्राप्त करने का नौटंकी और खेल बंद हो।